ओम शांति। तो चलिए चलते हैं मधुबन की सैर करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं दादी जानकी जी के स्तंभ के पास। ये दादी जानकी जी का स्तंभ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये है दादी प्रकाशमणि जी का स्तंभ, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये है दादी गुलजार जी का स्तंभ, जो कि हाल ही में बना हुआ है। ये काफ़ी सुंदर बनाया है, यहाँ पर योग लगाते हैं। और चलिए अब चलते हैं तपस्या धाम की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है तपस्या धाम के लिए रास्ता, और ये सामने ही तपस्या धाम है। यहाँ पर सभी भाई बहन योग लगाते हैं बाबा से, और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं जानवरों की, जैसे कि बिल्कुल असली जैसे बनाए हैं यहाँ पर। ये गाय है, गाय का बछड़ा है, बाबा की फुलवारी है, झरना है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। गार्डन है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। सभी भाई बहन यहाँ पर बाबा मिलन के लिए आते हैं। और ये है म्यूज़ियम, जिसमें 7 डेज कोर्स अच्छी तरीके से समझाया जाता है। प्रतिमाएं बनी हुई हैं यहाँ पर, मूर्तियाँ छोटी छोटी, उसके माध्यम से यहाँ के भाई हमें ज्ञान बताते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, और सुंदर तरीके से ज्ञान समझाया जाता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सारी प्रतिमाएं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारा दृश्य सतयुग में जो होता है वही यहाँ पर दर्शाया गया है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है श्री कृष्ण और गोप गोपियों के बीच। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और ये आगे है कॉन्फ्रेंस हॉल। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर ये सौगात का प्रबंध होता है। जो भाई बहन आते हैं मधुबन में बाबा मिलन के लिए, वहाँ सौगात की जाती है यहाँ पर। और ये है हमारा सबसे बड़ा हॉल, डायमंड हॉल। यहाँ पर बाबा मिलन मनाया जाता है। ये यहाँ पर सुबह की मुरली हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम होने के बाद का ये दृश्य है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब बाहर अपना नाश्ता करने के लिए, जो कि आगे ही थोड़ी दूरी पर है हमारा डाइनिंग हॉल। वहाँ पर हम सभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे
की ओर प्रस्थान करेंगे। बाबा ने बहुत प्यार से युक्तियाँ भी बताई हैं, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखना है। बाबा ने कहा है कि हम सबके साथ जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ बच्चों को लेके जाएंगे और बच्चे भी बाबा के साथ ही जाएंगे। बाबा अकेले नहीं जाना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा सब बच्चों को विजय माला का गाना बनना है। बाबा जी का आप गाना बनो, लेकिन बाबा माला बनाएंगे, माला बनाना बाबा का काम। बाबा के झूले पे बैठकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहे हैं, आनंद आ रहे हैं, बाबा झुला रहे हैं। रहे दिखलाता मीठे बच्चे कहने वाला बाबा वो मेरा बाबा है। बाबा की कमाल है। बाबा के झूले पे झूलने के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाबा के झूले बाबा झूला रहा है, ऐसा लग रहा है। खाना बनाया जाता है, बाबा की भंडारी है, यहाँ पे खाना बनाया जाता है। जो भी बाहर से भाई बहन आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि खाना बाबा के जो बच्चों के लिए बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो उन सबको हम देखेंगे। यहाँ पे जो सेवाएं की जाती हैं, जो भी बाबा के बच्चे आते हैं बाहर से, उन सभी के लिए सेवाएँ रहती हैं। ये जो आटा लगाने वाली मशीन है, यहाँ से आटा लगाया जाता है। यहाँ से अपने आप ही मतलब पानी वाली भी मतलब मशीन अलग है, पानी डाल दिया जाता है अपने आप ही। जितना पानी चाहिए होता है उतना ही पानी आता है। ये वो मिक्स करने वाला है, इसमें मिक्स किया जा रहा है आटे में जो भी चीज़ें मतलब है उसको मिक्स किया जा रहा है पहले।
पर जो माताएं जो आती हैं उन माताओं के द्वारा रोटी बेलना, पराठे बेलना, पूड़ी बेलना, इसकी सेवाएं दी जाती हैं जो भी बाहर से जो भी माताएं आती हैं उनके लिए। बाबा के द्वारा ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे आटा मतलब डालते हैं, यहाँ पे आटा डालने के बाद ये लुइयाँ अपने आप ही मतलब निकलती हैं और ये अपने आप ही मतलब दिल के निकलती हैं, अपने आप ही यहाँ से अपने आप ही मतलब बिल के निकलेंगी और यहाँ से उधर से सेक के निकलती हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे रोटियाँ आएंगी, रोटियाँ आने के बाद ऊपर से ऐसे आने के बाद वहाँ से निकलती जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उनको लाया जाता है। देखो अब ये जाल एक एक करके नहीं मतलब निकालना होता है, पूरी जाली में से इकट्ठा निकल जाता है। ये सारी चीज़ें मशीनों से कनेक्ट हैं, जो भी जो सोलर जो भी चीज़ें आती हैं सोलर से ये सारी चीज़ें हैं, गैस का यूज नहीं होता है इसमें, सारी चीज़ें सोलर से चल रही हैं, उन्हीं से मतलब कनेक्ट हैं पूरी चीज़ें बाबा के घर में। तो खाना बन रहा है तब तक डाइनिंग हॉल घूम आते हैं। तो ये हमारा भोजनालय है, इसको डाइनिंग हॉल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भोजन करते हैं, बाबा का भोग हम स्वीकार करते हैं बड़े प्यार से शांतिपूर्वक। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर फिर भी आसानी से भोजन कर लेते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बड़ी शांति से हम भोजन प्राप्त करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी शांति से सभी भाई बहन भोजन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाप दादा का प्यार सभी भाई बहनों पर बरसता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।